को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर है। आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जुझे
तो देश के लिए, उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए, और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मैं, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद यह पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1,10,00,000 के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। मैं माय भारत संगठन में रजिस्टर कराने वाले सभी युवाओं का आज विशेष अभिनंदन करता हूं। और मैं देख रहा हूं माय भारत में रजिस्ट्रेशन में हमारे युवा और हमारी युवतियां दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है कौन ज्यादा रजिस्ट्री करवाए। कभी युवक आगे निकल जाते हैं, कभी युवतियां आगे निकल जाती हैं, बड़ी जोरों की स्पर्धा चल रही है। साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दें,